गाइज, ये है होंडा के शोरूम में एक्सपल्स। काफ़ी लंबी और काफ़ी ऊंची गाड़ी है, तो ठीक है। मतलब सबसे पहले ये हॉर्नेट लगी हुई है, दूसरे में लगी है CV200X। ये थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू राइडर उत्तराखंड। और फिर से एक बार नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं हम। और अभी हम हैं भगवान दास चौक पे, तो अभी निकल रहे हैं मियावाला को। और मौसम काफ़ी शानदार, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं हैं। किधर भाई किधर है? और मतलब बारिश से तो परेशान है इधर, इतनी बारिश है कि मत पूछो भाई, बारिश ही बारिश है, एनी टाइम बारिश। ये चौक भी बड़ा खतरनाक चौक है यार, पता ही नहीं लगता कौन किधर से आ रहा है। तो आज जाके थोड़ा, अभी अभी मतलब मौसम थोड़ा ठीक है, नहीं तो मतलब कपड़े ही नहीं सूख रहे यार, बड़ा दिक्कत हो रखा है। आई थिंक आज वॉइस थोड़ा क्लियर होगी मेरी, और बाइक में भी। ये है कंट्रोल चौक, और वो रोड यार वहाँ पे गुलर घाटी वाली रोड थी जहाँ पे वो चौक बताया मैंने आपको। तो उन्होंने जो पहले आए होंगे तो उन्होंने अपने नाम पे ये चौक रखे हुए हैं, मानचंद, भगवान दास, खजान दास, भरतू, पुलिया। तो ये सब इन्होंने मतलब अपने नाम पे नामकरण करा रखा है जगहों का। ये है खजान दास चौक। तो अभी मैं पहले जाता हूँ मोहित की साइड पे, आजकल बंदा लगा पड़ा है उधर काम देखने पे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बंदे का। तो पहले उधर जाके चाय वाय पी के आते हैं और फिर निकलते हैं मियाँ वाला को। यहाँ पे गैस गोदाम है। तो ये बन रहा है मोहित का बिल्डिंग। तो ये है भाई ग्राउंड फ्लोर। ओके, और हम यहाँ से चले तो ये आ जाता है। अभी पता नहीं क्या कर रहा होगा। ओ भाई वहाँ ऊपर से माल मोल गिर रहा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो कहाँ गया? ऊपर कहाँ से गया फिर? किधर से? अच्छा यहाँ से, यहाँ से घुसो, यहाँ पर पैर से ऊपर आ जाओ। ना यार ये जाऊंगा, चालू है चालू। सही में ना यार, बेटा देखो मेरे सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे हमको मिली चाय, और यहाँ पे गाना चल रहा है पर इस गाने पे लगेगा कॉपीराइट। और ये भाई मेरा सब्सक्राइबर है, देखो यार खुशी होती है मतलब, है ना गाइस। अभी हम पहुँचने वाले हैं मियांवाला में, और एक स्कूटी में है बरू और मोहित, ये एंटॉर्क, और मेरे साथ कम्मू है। तो ये था वहाँ पे, तो मैंने कहा यार चल देख के आते हैं थोड़ा उधर क्या सीन है।
तो हम पहुँचने वाले हैं मियाँ वाला चौक पे। तो आज आ रहे हैं हम बाइक देखना, आप लोगों को बताया नहीं मैं। ओ बेटे यहाँ पे चेकिंग चल रही, देखो यहाँ पे चेकिंग चल रही है, और हम ट्रिपलिंग में आ रहे थे पता। फिर हमने बेटा देवा बेटा किस्मत भरो याद और किस्मत बेटे किन का डालू। अरे काल थी यार। क्या पता अगर पकड़े इंजे तो काटें तो सही जी। तो अभी हम ऊपर से ट्रिपलिंग में आ रहे थे तो फिर सामने से हमने बरू को उठा लिया, नहीं तो चलान होना निश्चित था। बाकी मैं बता रहा था कि आपको हम जा रहे हैं होंडा और टीवीएस के शोरूम, और वहाँ पे हम देखने वाले हैं आज बाइक। बजाज के शोरूम में तो हम बहुत बार चले गए, जो डिमांड हमारी वहाँ थी वो हमको मिली नहीं। तो आज जा रहे हैं हम होंडा और टीवीएस के शोरूम बाइक देखना, तो देखते हैं बाइक देख के आते हैं, पसंद आएगी तो लेंगे, नहीं आएगी तो, क्योंकि दिन भर तो पूरा वैसे बारिश का मौसम है। तो आज शाम को ही थोड़ा लगा कि हाँ मौसम ठीक है तो जाना चाहिए, तो इसलिए अपन लोग निकल गए। यहाँ पे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, 102 रुपये लीटर यहाँ पे पेट्रोल है, पर पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, और यहाँ पे तो आपको सचेत करते रहता हूँ मैं कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो बिल्कुल भी स्पीड तेज ना करिए। यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट भी हो रखा है, पूरा रेलिंग टूट रखी है, और यहाँ पे अपनी एंड टॉर्क भाग रही है एकदम। यहाँ पे भी और उस साइड भी कैमरे लग गए पता तेरे को, उस साइड भी और जगह जगह में कैमरे लग रखे भाई, मतलब पूरा देहरादून कैमरे से लैस है, आप मतलब बच नहीं सकते हो। और यहाँ पे हमारा छपरी राइडर, और पूरा फ्लाईओवर देख सकते हो आप लोग, मतलब पूरा गड्ढे गड्ढे होने शुरू हो गए पूरे फ्लाईओवर में। तो मनीष कश्यप को यहाँ पे बुलाना चाहिए हम लोग को, थोड़ा एक ऐसा हमारे उत्तराखंड में भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मनीष कश्यप की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा इधर। पूरे मतलब उसमें देख सकते हो आप पूरा गड्ढे वड्ढे ये वो। ये है होंडा का शोरूम जो मोखमपुर फ्लाईओवर के जस्ट वहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अंदर चलते हैं, बाइक देख के आते हैं। तो सबसे पहले ये हॉर्नेट लगी हुई है, इसका प्राइस, इसमें बैटरी नहीं लगी हुई है, लगी है CV200X, ये थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप। और ये थोड़ा मेरे को इसका लुक इतना अच्छा लगा नहीं ओवरऑल, बाकी हॉर्नेट अच्छी लग रही है। बाकी ये है एक्स ब्लेडर, तो इसमें जो है कि पीछे डिस्क वगैरह नहीं है, 2020 का मॉडल है। बाकी ये वही थोड़ा अपने मतलब की गाड़ियाँ नहीं है। बाकी यहाँ पे स्कूटी वगैरह लगी हुई है, और यहाँ पे कोटेशन बन रहा है एकदम, काफ़ी सारे कस्टमर हैं। तो गाइस वहाँ पे 146 की CSG से मिल रही थी, क्या नाम था यार उसका, हॉर्नेट, और एक्स ब्लेड मिल रही थी वहाँ पे 136 की शायद CSG से, और नॉर्मल प्राइस उनका 150 के ऊपर है। तो अपन ने अभी डिसाइड नहीं किया कौन सी लेनी है, तो अभी चलते हैं पहले हीरो के शोरूम, तो वहाँ पे भी देखते हैं क्या सीन है। और हीरो के शोरूम में एक्सपल्स है एक गाड़ी वहाँ पे,
तो वो देख के आते हैं, अगर वो ठीक ठाक बैठती है, ठीक ठाक लगती है तो उसी को ले लेंगे। और यहाँ से हम रॉन्ग साइड से चलेंगे, जाने की सोच रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हीरो के शोरूम में। इधर उधर अब गाड़ी तो लगानी है, किधर भी लगा लो, इतनी बड़ी पार्किंग है। इधर उधर किधर किधर। तो गाइस ये है जोगी वाला से थोड़ा पीछे, और आगे अपने भाई लोग चलते हैं गाड़ी देखना। चले फिर ये यार, ये तो बहुत ऊंची है। हम बाइक के लिए पूछते हैं, बाइक के लिए। गाइस ये है होंडा के शोरूम में एक्सपल्स, काफ़ी लंबी और काफ़ी ऊंची गाड़ी है, पर ठीक है, एडवेंचर हिमालयन टाइप एकदम, टायर्स वगैरह। तो यहाँ पे यही गाड़ी है अपने लायक, वो है ये वाली गाड़ी। अभी एक ही गाड़ी लगी अपने लायक, मतलब ठीक ठाक वाली। लुक भी काफ़ी प्यारा है इसका, टायर भी काफ़ी ऊंचे हैं। यह है हीरो का शोरूम। यहाँ पे मोहित कोटेशन करा रहा है गाड़ी की। तो गाइस जो एक्सपल्स है वो पढ़ लिया वहाँ, एक 45 CHD से, नॉन CHD एक 53 या 155 ऐसे समथिंग है। अच्छा एक 64 है नॉन CHD, एक 64 है। तो अभी डिसाइड करते हैं कौन सी लेनी है, और जब लेंगे तो फिर आपके सामने न्यू ब्लॉग आएगा। पर ये एक्सपल्स जो गाड़ी लगी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी बेहतरीन है। हाइट वाइट एकदम, मतलब हिली एरिया में एकदम ऑफ रोडिंग करने के लिए और हिली राइडिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। लाइक इसके साथ करते हैं ब्लॉग एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, तब तक के लिए बाय बाय।